ये लो एस नीचे सुपर को मेरा फोन कैमरा निकाल दे यार अरे पिल्ला अच्छे दे रहा है घर फोटो नीचे करूंगा ना आने वाले शिवरात्रि कितने दिनों में आ जाएगा ये कौन से वाले सर ये कैमरे था बाबा जी बच्चे ना बाबा जी ऐसे भी 2,000-4,500 से जुड़े हुए हैं पहले मैं बाहर टायर चलाता यहाँ पे बहुत अच्छा शिवलिंग बनता है अपने आप शिवलिंग बनता है वो अपने आप ही खुद ही बड़ी बात है इसलिए हम हर साल यहीं पे आते हैं जो कि खुद शिव भगवान अपने आप बन जाते हैं और हमें दर्शन देने आते हैं यहाँ पे ये हमारे लिए सच में खुद नसीबी की बात होती है का एक बहुत बड़ा वरदान है जो हम मतलब इस तरह से ये मंदिर बनता है इस तरह से शिवलिंग बनता है अपने आप ही मतलब एक बहुत ही बड़ी बात है और हमें नसीब मिला है कि हम यहाँ पे आ सकते हैं। ये जी नवंबर से शुरू होता है 15 नवंबर के बाद ही कभी पहले भी कभी थोड़ा लेट भी होता है किस साल और यहाँ 20-25-30 फीट शिवलिंग बनता है और यहाँ दूर दूर से यात्री आते हैं और यहाँ की मान्यता बहुत अच्छी है भाई दूर दूर से यात्री आते हैं वैसे भी स्थानीय और बाहर से भी आते हैं और यहाँ प्रसाद प्रसोद मिलता है फल फ्रूट ये वो खीर हाँ जी यहाँ पर शिवलिंग नवंबर से लेकर और अप्रैल मई तक बर्फ का 15-20 फुट के लगभग शिवलिंग बनता है यहाँ पर एक कुदरत की कुछ देन है जी और बाबा प्रकाशपुरी ने यहाँ पर कोई तपस्या करने के बाद यहाँ पर एक शिवलिंग की खोज की जी और शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ होती है शिवरात्रि का अर्थ शिव और पार्वती का विवाह इसलिए यहाँ पर शिवलिंग की पूजा करने के लिए स्थानीय लोग तथा टूरिस्ट पर्यटक जितने भी लोग मनाली में आते हैं यहाँ के दर्शन करके अपने पुण्य का भाग्य प्राप्त करते हैं। सर मैंने इसके बारे में बहुत सुना हुआ था जैसा लोगों बागों ने बताया था कि जैसे अमरनाथ में शिवलिंग बनता है सेम एज इट इज यहाँ भी बनता है आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट वो थोड़ा थोड़ा मेल्ट हो गया है लेकिन आप उसकी इमेज अभी देख सकते हैं तो हम उसी के लिए आए थे शिवरात्रि भी है जैसा तो हमने अपना प्लान उसी के अकॉर्डिंग बनाया था और यहाँ के बिल्कुल अच्छा लग रहा है मतलब थोड़ा सा वो है कि स्नोफॉल कम हुआ है इस साल वो मनाली में क्या पूरे मतलब ऑल ओवर इंडिया में आप कह सकते हैं कि इस साल थोड़ा कम हुआ है लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है बहुत अच्छा लग रहा है मनाली का मौसम और यहाँ का सबसे पहले मैं बात करूँ शिवलिंग की तो शिवलिंग काफ़ी अच्छा है वहाँ पर और मौसम भी काफ़ी अच्छा है अभी शिवलिंग वगैरह जो है थोड़ा अभी दूर से दर्शन करने पड़ रहे हैं लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है बिल्कुल हमने पास से जाकर देखा उसको काफ़ी अच्छा लगा हमें और यहाँ का मौसम भी हमें काफ़ी अच्छा लगा अमरनाथ में ही मेरे ख्याल से अमरनाथ के अलावा दूसरी यही जगह है जहाँ पर शिवलिंग अपने आप नेचुरली बना हुआ है अदरवाइज कहीं भी ऐसा शिवलिंग देखने को नहीं मिलता अमरनाथ के अलावा दूसरी जगह हमें मनाली में ऐसा शिवलिंग देखने को मिलता है।